हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो का पार्ट 9, जिसमें हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप पढ़ेंगे हम लोग इसमें कि सिक्के पर आधारित क्वेश्चन, और दूसरा टाइप इसमें पढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पहला क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। देखिए, इसमें थोड़ा सा दिया है क्या चीज कि RS 1 रुपया वाला सिक्का है एक थैला में, फिर 50 पैसा वाला सिक्का रखा हुआ है और 10 पैसा वाला सिक्का रखा हुआ है। ये क्या है? सिक्का है ये, 1 रुपया वाला सिक्का, 50 पैसा वाला सिक्का और 10 पैसा वाला सिक्का। तो कह रहा है कि 3:4:10 के अनुपात में है, यानी थैला में जो सिक्का रखा हुआ है किस रेशियो में? तो कह रहा है सिक्कों की संख्या, यहाँ लिखेंगे सिक्कों की संख्या किस रेशियो में रखा हुआ है सिक्का, तो 3, 4 और 10 के रेशियो में। अब देखिए, ये है सिक्कों की संख्या का रेशियो, और यहाँ पर देखिये यदि इनका कुल मूल्य कितना, 102 रुपया, यानी देख रहे हैं कि थैला में टोटल रुपया करना 102। तो जब तुलनात्मक विधि लगाइएगा इसमें तो तुलना भी किस में होगा, रुपया रुपया में तुलना होता है। तो देखिए, संख्या को रुपया में कन्वर्ट कीजिए, यानी मूल्य में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। यही ध्यान देने लायक रहता है कि अगर कुल मूल्य दिया रहे तो संख्या को मूल्य से मिलाकर तब तुलना करेंगे, या कुल संख्या दिया रहता यहां पर तो अगर यहाँ पर मूल्य दिया जाता तो इसको फिर संख्या में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है मूल्य में। तो कह रहा है एक वाला सिक्का 3 गो है, अनुपात 3 को मानेंगे, 3 गो। अगर बताइए एक वाला सिक्का 3 गो है आपके पास, तो रुपया में कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, 50 पैसा वाला 4 सिक्का है, ठीक है, 50 पैसा वाला 4 सिक्का है, तो बताइए रुपया में कितना हो जाएगा, वो कई रुपया हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया में 50 पैसा वाला कैसा सिक्का होता है, 2 सिक्का होता है। 1 रुपया में 50 पैसा वाला कैसा सिक्का, 2 सिक्का। तो बताइए 4 सिक्का में कई रुपया, देखिए 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, 1 रुपया में 2 सिक्का, इसीलिए संख्या में भाग कर देंगे 2 से। अब 10 पैसा वाला 10 सिक्का है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया में 10 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितना, 10 गो। तो क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे, 10/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा मूल्य में, ये काटेगा 2 × 4, 10 से 10 खत्म, यानी आ गया 3:2:1 के रेशियो में, यानी मूल्य का रेशियो कितना हुआ, 3:1। अब लगाइए कि टोटल मूल्य अनुपात में कितना, तो 3 × 2 = 5, 5 × 1 = 6, अनुपात में 6, टोटल मूल्य कितना 6, लेकिन रुपया में कितना, 102 रुपया। अभी अनुपात 1 = कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा ना, तो 6 × 1 = 6 और बचा या 4 × 7 = 42, यानी 17 रुपया। तो कह रहा था 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, हम लोग अनुपात 1 का मान किसका निकाल कर आए हैं, रुपया में, 17 रुपया। तो रुपया रुपया से निकालिए, अनुपात 1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 पैसा वाला का मूल्य कितना, 1 = कितना, 17 रुपया। देखिए 17 रुपया, यानी हम लोग को यहाँ पता चल गया कि 10 पैसे वाला सिक्का कितना रुपया, 17 रुपया। तो बताइए सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, संख्या। तो देखिए मतलब 1 रुपया में 10 सिक्का, तो 17 रुपये में कितना सिक्का, तो 17 × 10, यानी 170 सिक्का, 170 सिक्का हो जाएगा। ऑप्शन कौन जा रहा है, डी नंबर, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को कि अगर संख्या में दिया रहे, ठीक है, सिक्कों की संख्या में दिया रहे तो मूल्य में लाने के लिए भागा करेंगे, ठीक है, मूल्य में लाने के लिए भागा करेंगे। अब अगर मूल्य का रेशियो दिया रहे और उसको संख्या में लाना हो तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे। तो संख्या को मूल्य में लाने के लिए भागा और मूल्य को संख्या में लाने के लिए गुना करते हैं, ठीक है,
बाकी तुलना करके अनुपात एक का मान निकाल लेंगे और अनुपात एक का मान जो जिसमें आएगा रुपया में आएगा तो रुपया वाला में गुना कर लेंगे तो सबका मूल्य आ जाएगा। इसके बाद अगर कन्वर्ट करना हो संख्या में तो गुना कर देना है। दूसरा क्वेश्चन है एक पर्स में एक रुपया 50 पैसे 10 पैसे सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में है। ठीक है, देखिए RS एक रुपया वाला 50 पैसा वाला और 10 पैसा वाला सिक्कों की संख्या के रूप में दिया हुआ है। ये संख्या के रूप में कितना है 6:9:10। अब कर रहा है और कितना रुपया है 34.5 रुपया है, टोटल कितना है 34.5। तो चलिए इसको मूल्य में लाइए, मूल्य में तो एक वाला सिक्का 6 गो तो कई रुपया, तो 1 × 6 कितना 6। 50 पैसा वाला 9 गो सिक्का है तो कई रुपया हो जाएगा, तो करेंगे 9 भागा कितना से, तो 1 रुपया में 2 सिक्का तो 2 से भागा। और 10 पैसा वाला सिक्का 10 गो है तो हम लोग जानते हैं कि मूल्य में कितना, तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया में 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 10 गो। ठीक है, तो 10 सिक्का में कितना रुपया, तो 10 से भागा कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना 4.5, कितना जाएगा 4.5। लगाइए यहां से टोटल मूल्य कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 1, यानी कि 100 रेशियो लिख सकते हैं 6 4.5 और ये कितना 1। बताइए यहां से टोटल मूल्य कितना हो जाएगा अनुपात में, 6 1 7 7 4 11 11.5 अनुपात में 11.5। तो रुपया में कितना है 34.5 अनुपात 1 बराबर कितना जाएगा 34.5/11.5। देखिए 10 से 10 काटिएगा, ठीक है, और यहां से काट लीजिए तो कितना मीटर कट जाएगा, तो 3 मीटर कट जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना जाएगा 3, यानी अनुपात 1 बराबर कितना रुपया 3 रुपया। तो कह रहा है 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, तो पहले क्या करेंगे तुलना किए रुपया से रुपया को, तो पहले रुपया वो निकालिए तो अनुपात 1 का मान कितना रुपया, अनुपात 3, अनुपात 1 = 3 रुपया तो ये आएगा 3 रुपया। 10 पैसा वाला कितना रुपया है थैला में 3 रुपया है, तो संख्या कैग हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया में 10 पैसा वाला 10 सिक्का, तो 3 रुपया में कितना सिक्का, 3 × 10 यानी 10 × 30 सिक्का, 10 × 30 सिक्का किसका आया है 10 पैसे वाला, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना 30 सिक्का। ऑप्शन कौन जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कराए एक बैग में 5 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में क्रमशः 1:5:11 के अनुपात में 43 रुपया है, तो 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या कितना है। तो चलिए यहाँ दिया है कौन कौन सिक्का है, तो RS 5 वाला ये किसका सिक्का है 50 पैसा वाला, और किसका सिक्का है 10 पैसा वाला। तो सिक्के के रूप में है मतलब क्या हुआ सिक्कों की संख्या, बताइए 1:5:11। अब देखिए टोटल मूल्य कितना है 43, तो रुपया में ना है तो इसको भी क्या करना होगा रुपया में लाना होगा सबको, तो मूल्य में कन्वर्ट कीजिए, मूल्य में कैसा आएगा बताइए। एक बैग में 5 वाला सिक्का 1 गो है, कितना है 1 गो, सिक्कों की संख्या कितना 1 गो, तो ये 5 वाला सिक्का 1 गो है तो कई रुपया हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। अब बताइए यहाँ 50 पैसा वाला सिक्का अगर उस थैला में 5 सिक्का है तो कई रुपया हो जाएगा, तो आधा कर देंगे 2 से भागा 5/2 आ गया 2.5 रुपया। अब 10 पैसा वाला सिक्का उस थैला में 11 सिक्का है तो कई रुपया हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 1 रुपया में 10 सिक्का तो 11 सिक्का में कई रुपया 11/10 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहां से नीचे यहां कुछ है तो 1 लगा सकते हैं, तो 1, 2 और 10 एलसीएम कितना हो जाएगा 10, सब में क्या करेंगे 10 से गुना कर लेंगे, सब में क्या करेंगे 10 से गुना, इसमें भी 10 से गुना कीजिएगा यानी नीचे वाला का एलसीएम से गुना 10, ये भी 10 कट जाएगा, 2 × 5 = 10 और ये आ गया 50 25
और 11 का रेशियो, यानी मूल्य का रेशियो कितना आ गया 50-25-11। अब बताइए टोटल मूल्य अनुपात में कितना हो जाएगा, तो टोटल अनुपात में करना 50-25-11 जोड़िएगा तो अनुपात 86, अनुपात 86 बराबर कितना रुपया 43 रुपया, टोटल मूल्य कितना 43, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा काटिएगा 43 गुना 86 यानी एक पड़ता 2 रुपया। तो चलिए पूछ रहा है 50 पैसे वाला सिक्का कितना, तो हम रुपया से रुपया तुलना किए हैं तो पहले 50 पैसा वाला मूल्य लाइए, बताइए 50 पैसा वाला मूल्य का रेशियो करना 25, तो बताइए 25 में अनुपात 1 वाला मान से गुना, तो अनुपात 1 का मान कितना है 1/2, यानी कितना रुपया हो जाएगा 12.5 रुपया, कितना आ गया 12.5 रुपया। तो चलिए इस 12.5 रुपया जो आया है ये किसका आया है 50 पैसा वाला मूल्य, सिक्का कैग हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 1 रुपया में 50 पैसा वाला 2 सिक्का, तो 12.5 रुपया में कितना सिक्का 12.5 गुना 2 यानी कितना सिक्का हो जाएगा 12 गुना 24 और 1 25, 25 सिक्का हो जाएगा 25 सिक्का, यही आपका आंसर है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन में है एक थैला में 4,100 रुपया है जो 50 रुपया 20 रुपया और 10 रुपया के नोट के रूप में है, ठीक है कौन कौन है, तो आरएस 50 रुपया वाला, आरएस 20 रुपया वाला नोट और आरएस 10 रुपया वाला नोट है, ठीक है। कराए थैले में प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6, 9 है, यानी नोट की संख्या दिया है, नोट की संख्या कितना का रेशियो है 4:6:9 का रेशियो है। कराए उसमें 20 रुपया के नोट कितने हैं, ठीक है 20 वाला के नोट की संख्या निकालना है। देखिए यहाँ दिया क्या है 4,100 रुपया, टोटल कितना 4,100 रुपया, तो रुपया को रुपया से तुलना करना है, लेकिन रेशियो में क्या पता है संख्या में, इसको लाइए मूल्य में यानी रुपया में लाइए, तो मूल्य में लाने के लिए बताइए 50 वाला नोट अगर थैला में 4 नोट है तो कई रुपया हो जाएगा, तो गुना ना हो जाएगा यहाँ पर, तो 50 गुना 4 कितना हो जाएगा 5×20 200 रुपया हो गया। 20 वाला जो नोट है वो 6 नोट है तो कई रुपया हो जाएगा 20×6 120, और 10 वाला नोट 9 है तो कई रुपया हो जाएगा 10×9=90, ठीक है ये मूल्य में आ गया, काट लीजिए 10 सब में है तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा सब में और कुछ कटेगा नहीं, तो आ गया 20:12:9 का रेशियो में, यानी मूल्य का रेशियो कितना 20:12:9। बताइए टोटल मूल्य अनुपात में कितना, तो 20 और 12 जोड़िएगा तो 32, अब 32 और 9=41, अनुपात में 41, रुपया में करना 4100 रुपया, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा काटिएगा 41 कट जाएगा यानी 100 रुपया। देखिए अनुपात 1 बराबर 100 रुपया, तो अनुपात 20 बराबर निकाल सकते हैं रुपया में, अनुपात 12 बराबर निकाल सकते हैं रुपया में, अनुपात 9 बराबर निकाल सकते हैं रुपया में। हमको पूछा है किसका, सिर्फ 20 वाला नोट कहे को, तो बताइए 20 वाला टोटल रुपया कितना, अनुपात 1 बराबर 100 रुपया, तो अनुपात 12 बराबर कितना रुपया 1200 रुपया, यानी उस थैला में 20-20 वाला जो नोट है वो टोटल कितना रुपया है 1200 रुपया है, टोटल कितना है 1200 में 20 से भाग कर दीजिए तो यह आ जाएगा 10 से 10 और यह आ जाएगा 60, यानी टोटल कितना 60, यानी 60 नोट है, ऑप्शन कौन जाएगा डी नंबर। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है एक थैला में 60 रुपया है जो 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के के रूप में है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या की आधी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, उसमें 5 रुपया के कितने सिक्के हैं। देखिए थैला में सिक्का कौन कौन सा है, सिक्का है आरएस 5 वाला, फिर है आरएस 2 रुपया वाला और आरएस 1 रुपया वाला, यानी 5 रुपया वाला सिक्का है, 2 रुपया वाला सिक्का, 1 रुपया वाला सिक्का है। अब देखिए सिक्का किस रूप में है, तो बोला है 5 रुपया वाला सिक्का
दो रुपया वाला सिक्कों की संख्या का आधा, ठीक है, ये पांच वाला सिक्का जो होगा वो दो रुपये वाला सिक्कों की संख्या से क्या होगा आधा, तथा एक रुपये वाले सिक्कों की संख्या दो रुपये वाले सिक्कों की संख्या का तिगुना, यानी एक वाला सिक्का जो होगा वो दो रुपये वाला सिक्का से क्या होगा तिगुना। ये दो कंडीशन दिया है कि पांच वाला सिक्का दो वाला सिक्का से आधा और एक वाला सिक्का दो रुपये वाला सिक्का से कितना है, तो यहां बोला है तिगुना, कितना बोला तिगुना लगाइए यहां से। मान लीजिए यहां अगर दो सिक्का है, दो रुपये वाला कितना सिक्का दो सिक्का, इसका तिगुना कीजिएगा तो एक वाला सिक्का निकल जाएगा, यानी दो का तिगुना कीजिएगा ना छः, ठीक है, दो का तिगुना कितना छः। फिर बोला था पांच रुपये वाला सिक्का जो है वो दो रुपये वाले सिक्कों की संख्या से क्या है आधा, तो दो रुपये वाला सिक्का की संख्या दो को लिए हैं तो पांच वाला सिक्का कितना जाएगा आधा, यानी दो का आधा कितना छः। देखिए ये आ गया सिक्कों की संख्या का रेशियो, यानी आपको सोचना है कि दो वाला सिक्कों की संख्या कै को लिया जाए जो पांच वाला सिक्कों की संख्या दो वाला सिक्कों की संख्या से आधा हो जाए और एक वाला सिक्कों की संख्या दो वाला सिक्कों की संख्या से तिगुना हो जाए। तो कितना मान लिया दो रुपये वाला सिक्कों की संख्या दो गो, तो मान लिया आर एस दो रुपये वाला सिक्कों की संख्या दो गो, तो एक रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना है तो तिगुना है, दो का तिगुना करना छः, और पांच वाला सिक्कों की संख्या दो वाला सिक्कों की संख्या से क्या आधा, तो दो वाला सिक्कों की संख्या दो गो, तो पांच वाला सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा दो का आधा एक। तो आ गया सिक्कों की संख्या का रेशियो, यानी एक दो छ के रेशियो में रहेगा। अब इसको मूल्य में लाइए, मूल्य में यहाँ देखिए पांच वाला सिक्का एक गो है तो कई रुपया हो जाएगा, तो पांच गुना एक करेंगे तो पांच रुपया हो जाएगा, और ये दो वाला सिक्का दो गो है तो कई रुपया हो जाएगा, तो दो गुना दो कर लेंगे तो कितना जाएगा चार, और एक वाला सिक्का छह गो है तो कई रुपया हो जाएगा तो छह रुपया रहेगा। ये आ गया मूल्य में, बताइए टोटल मूल्य अनुपात में कितना, तो जोड़ेंगे छ और चार दस, दस और पांच पंद्रह, अनुपात में कितना पंद्रह, लेकिन रुपया में टोटल कितना साठ रुपया, तो अनुपात पंद्रह बराबर साठ रुपया, तो अनुपात एक बराबर कितना रुपया पंद्रह चौको साठ चार रुपया। तो कह रहा है कि पांच रुपया के कितने सिक्के हैं बताइए, पांच वाला मूल्य कितना है अनुपात पांच है, तो एक बराबर चार अनुपात पांच बराबर कितना पंचको बीस, यानी पांच वाला मूल्य कितना रुपया निकल गया बीस रुपया निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि पांच वाला सिक्कों की संख्या निकलना है तो टोटल है बीस रुपया, ठीक है टोटल है बीस रुपया। अब संख्या में लाने के लिए क्या करेंगे भाग कर लेंगे, तो कितना से भागा पांच से, पंचको बीस कट जाएगा चार, यानी कितना सिक्का जाएगा चार सिक्का जाएगा चार सिक्का, ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर। आज छठा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास एक रुपया पांच रुपया तथा दस रुपया के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है, यानी एक व्यक्ति के पास जो है वो एक रुपया वाला है पांच रुपया वाला है और दस रुपया वाला नोट है और टोटल मिलाकर कई रुपया 640। अब बोला है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, देखिए आर एस एक वाला नोट आर एस पांच वाला नोट और आर एस दस वाला नोट सबका मान क्या है बराबर है, नोट की संख्या बराबर है, तो मानते हैं एक रुपये वाला कै नोट एन नोट है, पांच वाला भी कै नोट एन नोट है और दस वाला नोट भी कै एन नोट है, ये क्या निकल गया नोट की संख्या, यानी आर एस एक वाला नोट भी एन आर एस पांच वाला भी नोट एन और आर एस दस वाला भी नोट एन, लेकिन दिया क्या 640 रुपया है, ये रुपया में लाइए तो एक रुपया वाला नोट एन नोट तो कई रुपया हो जाएगा तो एन रुपया हो जाएगा, यानी वन से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब बताइए पांच रुपया वाला एन नोट है तो कई रुपया हो जाएगा तो पांच से गुना कर लेंगे, और दस वाला नोट एन नोट है तो कई रुपया हो जाएगा तो दस से गुना कर लेंगे तो निकल जाएगा रुपया में। अब सबको जोड़ देना है तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, तो टोटल से तुलना टोटल से तो टोटल कितना 640, टोटल कितना 640। देखिए इधर भी रुपया में इधर भी रुपया में तो रुपया रुपया कट जाएगा, ये आ गया एक एन और पांच एन और दस एन, तो कितना जाएगा दस पांच पंद्रह एक सोलह एन बराबर 640, तो एन बराबर कितना जाएगा एन बराबर जाएगा
16 चको 64 यानी 40, एन का मान कितना है 40। हम लोग एन क्या माने थे, प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या, तो कह रहा है उसके पास टोटल कितना नोट है, एन नोट और एन नोट टोटल कितना नोट, कुल नोट की संख्या, कुल नोट की संख्या। एन एक रुपया वाला भी नोट एन गो, पांच वाला भी नोट एन गो, और कितना दस वाला नोट भी एन गो, दस वाला भी एन, तो कितना टोटल 3 एन, और एन का मान 40, तो 40 क्या करना 120, यानी टोटल नोट कितना हो जाएगा 120 नोट। ठीक है, ऑप्शन कौन जाएगा, बी नंबर। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में कुल 56 रुपया है, जो 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। देखिए सिक्का कौन कौन है, तो एक रुपया वाला, फिर है 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला। आपको देखिए कि बोला क्या क्वेश्चन, 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या से दुगना है। देखिए 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो होगा वो 25 पैसा वाला से क्या है, दुगना है। ठीक है, यानी 25 पैसा वाला एक सिक्का, तो 50 पैसा वाला सिक्का कितना, दुगो। अगर 25 पैसा वाला सिक्का दुगो, तो 50 पैसा वाला सिक्का कितना, दुगना 4 गो, यानी दुगना रहेगा 50 पैसा वाला। तथा फिर बोला तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुना है, यानी 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या जो है वो 1 रुपया वाला से 4 गुना है, और 25 पैसा वाला से कितना, 2 गुना है। तो चलिए इसको रेशियो में बैठाइए, तो हम मानते हैं कि RS1 वाला सिक्का एक हो, ठीक है, RS1 रुपया वाला सिक्का एक हो, तो 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितना, 4 गुना बोला था, तो कितना 4। लेकिन फिर बोला था कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगना, तो हम बोल सकते हैं 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से करना आधा हो जाएगा, तो दुगना का उल्टा क्या था, आधा, तो 4 का आधा करना 2। देखिए इसको रेशियो में बैठाइए, आ जाएगा 50 पैसा वाला 1 रुपया वाला से 4 गुना है, और 25 पैसा वाला से दुगना है, ये निकल गया संख्या में। अब टोटल मूल्य है 56 रुपया, तो टोटल मूल्य निकालिए, तो मूल्य का रेशियो पहले निकालिए, बताइए एक वाला सिक्का एक गो तो कै रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा वाला सिक्का 4 गो तो कै रुपया हो जाएगा, तो 4 का आधा कीजिएगा ना, 4 का आधा, और 25 पैसा वाला 2 गो, ठीक है, तो 25 पैसा 2 गो तो मूल्य में कितना, तो 1 रुपया में 4 सिक्का 25 पैसा वाला, तो 2 सिक्का में कै रुपया, तो 4 से भागा, ये कट जाएगा 2 दुना 4, ये कटेगा 2 दुना 4, नीचे 2 है तो 2 सब में गुना कर लिए, यानी एलसीएम लेकर के ये हो जाएगा 2 दुना 4, और यह जगह 1/2 × 2, यानी कितना, ये आ गया मूल्य का रेशियो। अब बताइए टोटल मूल्य अनुपात में कितना है, तो 4 × 2 = 7, अनुपात में 7, लेकिन रुपया में टोटल कितना है 56 रुपया, तो अनुपात 1 = कितना 8 रुपया, 8 से 56 8 रुपया। ठीक है, तब बोला है उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, तो पहले निकालेंगे 50 पैसे वाला मूल्य, तो 50 पैसे वाला मूल्य का रेशियो करना अनुपात 4, तो 1/8, तो 4 बार करना 8 × 32 रुपया, 8 × 32 रुपया कितना है 32 रुपया, बताइए 50 पैसा वाला मूल्य 32 रुपया, तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 32 रुपया में कितना सिक्का, 2 से गुना, 32 × 2 = 64 सिक्का, 64 सिक्का आंसर ऑप्शन डी। आइए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी और सी बराबर 28 और डी बराबर 21, तब अनुपातिकता स्थिरांक यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको क्या है, इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है डी, देखिए यहां से टाइप चेंज किया है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्वेश्चन। देखिए एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनवर्सली,
इन्वर्सली, ठीक है। देखिए डायरेक्टली को हिंदी में बोलते हैं तो सीधा अनुपातिकता, सीधा सीधा अनुपातिकता। इन्वर्सली को बोल सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। यानी डायरेक्टली होगा तो सीधा सीधा परिवर्तन होता है, और इन्वर्सली होता है तो उल्टा परिवर्तन होता है, ठीक है। अब डायरेक्टली और इन्वर्सली क्या होता है, इसे समझिए क्वेश्चन। तो देखिए अगर आप एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं, ठीक है, कोई कंपनी आप काम करने के लिए गए हैं, तो कहा है वहां पर कि अगर आप एक घंटा काम कीजिएगा, ठीक है, एक घंटा, तो आपको 200 रुपया देंगे, ठीक है, एक घंटा काम कीजिएगा तो 200 रुपया देंगे, ठीक है। लेकिन आप उस दिन 2 घंटा काम कर लिए, 2 घंटा काम कीजिएगा तो आपको रुपया में कितना मिलेगा, तो देखिए एक का दुगना हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हुआ, दुगना रुपया मिल जाएगा, यानी कितना मिलेगा, 2 घंटा काम करने पर 400। अगर 3 घंटा काम कीजिएगा तो एक का तिगुना कीजिएगा तो 200 का यहाँ क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी 600 रुपया मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब आपका समय बढ़ रहा है तो आपका मूल्य भी बढ़ रहा है, ठीक है, यानी दोनों तरफ क्या रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो यही हुआ डायरेक्टली, यानी एक दूसरे पर निर्भर है, आपका समय बढ़ेगा तो आपका मूल्य भी बढ़ेगा, अगर समय घटेगा तो मूल्य भी क्या होगा, घटेगा। तो वो होता है डायरेक्टली। तो यहां से दिया, इसको लिख सकते हैं कि जो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, डी, ठीक है, यानी सी में के मान में वृद्धि होगा तो डी के मान में वृद्धि होगा, अगर सी के मान में कमी होगा तो डी के मान में कमी होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। लेकिन अगर यही चीज को कहता व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली वाला, तो इन्वर्सली वाला में क्या होता है, जैसे उदाहरण लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर आपका स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होता है, घटता, यानी कहीं एक निश्चित दूरी है, अगर कोई पहले एवरेज स्पीड से जा रहे हैं तो आपको कुछ समय लगा होगा जाने में, अब बताइए अगर स्पीड बढ़ाइएगा तो उस दूरी को जाने में क्या होगा, समय कमेगा, समय क्या हो रहा है, कमेगा, ठीक है। तो ये उल्टा होता है, ठीक है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि, तो यहाँ कमी, यानी जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी इनवर्सली, इनवर्सली को कैसे लिखा जाता है, उल्टा, तो यहाँ 1/d हो जाएगा, ठीक है, 1/d। देखिए सी का मान यहाँ रखिएगा तो दुगुना होता जाएगा, और यहाँ डी का मान रखिएगा तो डी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसे उसे इसका मान क्या होगा, कमेगा। सी का मान में कुछ भी रखिएगा, 1, 2, 3, 4 तीन बढ़ते जाएगा, लेकिन डी का मान जैसे बढ़ाइएगा तो इसका मान क्या होगा, 1/d का मान क्या होगा, घटते जाएगा। तो ये होता है इन्वर्सली, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली और इन्वर्सली में, तो ये डायरेक्टली वाला क्वेश्चन हो गया और ये इन्वर्सली वाला हो गया। तो अगर बोलेगा हिंदी में कि सीधा अनुपातिकता या सीधा वितरण विचरण, तो आप इस तरह से लगाइएगा, और अगर बोलेगा व्युत्क्रमानुपात तो व्युत वाला ई वाला लगाइएगा, ठीक है, उल्टा वाला, व्युत्क्रमानुपात में उल्टा वाला, या प्रतिलोमता भी बोलेगा यानी उल्टा वाला। अब देखिए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं। तो यहां पर देख लिया सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है डी, और यहाँ क्या है सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है 1/d। अगर इस साइन को खत्म करना है ना तो डी में को एक कांस्टेंट वैल्यू से गुना कर दिया जाता है, यानी इसी को लिख सकते हैं सी बराबर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लीजिए, मान लेते हैं के, तो के से जब इसमें गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा सी बराबर के इंटू डी। उसी तरह यहां भी इस साइन को खत्म कीजिएगा और इक्वल का साइन लाना हो तो क्या कीजिएगा, सी बराबर के इंटू 1/d, ठीक है। तो ये हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को खत्म करना हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को साइन को खत्म करना हो तो क्या करना है, एक कांस्टेंट वैल्यू से गुना कर देना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन दिया है देखिए 8वां क्वेश्चन, जब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी, क्या दिया है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी। तो देखिए इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन खत्म करने के लिए क्या करेंगे, लिख सकते हैं इसको सी बराबर के इंटू डी,
ठीक है, सी बराबर के इंटू डी, इसका ये समीकरण निकल गया, ये समीकरण एक मान लेते हैं। अब बोला है सी बराबर 28 और डी बराबर 21 है, तो अनुपातिकता स्थिरांक, अनुपातिकता स्थिरांक यानी कांस्टेंट वैल्यू, ये पूछ रहा है कांस्टेंट वैल्यू करना है के, तो के बराबर कितना हो जाएगा, वे सी बराबर रखेगा 28 बराबर के गुना डी का मान करना 21, यहाँ काटेगा 28 और 21, यानी के बराबर कितना आ गया 4/3, यही आ गया अनुपातिकता स्थिरांक यानी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू कितना आ गया 4/3, ऑप्शन कौन जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटाने के लिए और इसको इक्वल में लाने के लिए क्या कीजिएगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू से गुना कर देना है, यानी कैसे गुना कर देना है। आइए हम लोग नौवा क्वेश्चन देखते हैं। नौवा क्वेश्चन है यदि एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन के प्रतिलोमता परिवर्तित होता है, तो पहले इसको समीकरण बनाइए आप। बोला है एक्स प्रतिलोमता मतलब क्या, इनवर्सली, ठीक है इनवर्सली, इनवर्सली मतलब उल्टा, 1/y² - 1 का, यानी x इनवर्सली है किसका, y² - 1 का। चलिए अब ये वाला साइन को हटाने के लिए और इक्वल का साइन लाना है, तो क्या कीजिएगा x बराबर, इसमें क्या करना है एक कांस्टेंट वैल्यू से गुना कर लीजिए, यानी 1/y² - 1 में k से गुना कर लीजिए, तो क्या जाएगा k बट्टा वाई स्क्वायर माइनस वन, ये निकल गया समीकरण एक। अब कह रहा है y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान 24 आता है, यानी अगर y का मान 10 रख दिया जाए यहाँ पर, तो इसका मान कितना जाएगा 24 आ जाएगा, यानी x का मान कितना जाएगा 24, तो रखिए x का मान 24 और k कांस्टेंट वैल्यू का मान अभी निकाल लीजिए, तो y बराबर 10, 10 का स्क्वायर माइनस वन, यानी आ जाएगा k बराबर कितना, तो 24 गुना 10 का स्क्वायर 100 और 100 में से घटेगा 99, यानी k का मान कितना आ जाएगा 24 गुना 99। नौ अब बोल रहा है क्वेश्चन y बराबर 5 की स्थिति में x का मान कितना, यानी ये जो समीकरण निकाल के लाए हैं, अब अगर y बराबर 5 रखा जाए, ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, तो x बराबर देखिए कांस्टेंट वैल्यू का मान निकल कर आ गया है, यानी कांस्टेंट वैल्यू के का मान कभी चेंज नहीं होगा, जो निकल कर आएगा वही रहेगा, 24 गुना 99 और y का मान कितना लेना है, y का मान 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस वन, देखिए 5 का स्क्वायर माइनस वन कीजिएगा तो 25 में से गया 24 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा x का मान 99, x का मान 99, ऑप्शन कौन जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी। आइए दसवां क्वेश्चन देखते हैं। बोला है पी क्यू के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित इस प्रकार होता है, देखिए क्या बोला है पी क्यू के वर्ग क्या है, अनुलोम, अनुलोम बोलेगा मतलब सीधा विचरण, क्या होता है सीधा विचरण होता है, लगाइए पी ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, तो क्यू के वर्ग का, क्यू के वर्ग का, ये बन गया यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, क्यू के वर्ग का। अब इसको समीकरण में तोड़िए, तो ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन मिलाने के लिए इसमें कांस्टेंट वैल्यू से गुना कर लेंगे, बोल सकते हैं पी बराबर के इंटू क्यू का होल स्क्वायर, यानी आ गया पी बराबर के गुना क्यू का होल स्क्वायर, समीकरण एक। अब हो रहा है यदि p बराबर 1 हो, p बराबर कितना 1, तो p का मान 1 और q का मान 2 हो, q का मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर और k का मान निकालना है, तो गुना k, दोनों क्या होगा आपस में बराबर, k बराबर कितना हो जाएगा, तो एक 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4 आ जाएगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू का मान निकल गया कितना 1/4। अब बोल रहा है अब यदि q बराबर 6 हो तो p का मान कितना, तो 9। अब इसी समीकरण में फिर रखिए कितना q का मान 6, तो p का मान क्या होगा, तो p बराबर k, k का मान कितना 1/4 गुना और q बराबर कितना 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना 9, यानी q का मान कितना, p का मान कितना जाएगा 9 आ जाएगा।
ऑप्शन बी। आइए ग्यारहवां क्वेश्चन, ग्यारहवां क्वेश्चन है पी का मान क्यू तथा आर के गुणनफल, क्या पी का मान किसके अनुसार क्यू तथा आर के गुणनफल के व्युत्क्रम अनुसार, व्युत्क्रम अनुसार बोलेगा मतलब उल्टा, ठीक है उल्टा यानी इनवर्सली परिवर्तित होता है। तो लगाइए पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, क्यू तथा आर के गुणनफल का, तो उल्टा यानी बट्टा में चला जाएगा क्यू गुना आर, यानी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, तो क्यू तथा आर के गुणनफल का, ठीक है तो वन बट्टा क्यू आर लगाना है। अब बताइए इस साइन को हटाने के लिए और बराबर का साइन लाना हो तो क्या कीजिएगा, इसमें कांस्टेंट वैल्यू से गुना करना है, यानी आ जाएगा P बराबर K इंटू क्यू गुना आर, यानी आ गया P बराबर K बटा क्यू आर, समीकरण एक। अब बोल रहा है Q बराबर 6 और R बराबर 12 हो तो P बराबर 75 है, यानी P बराबर 75 आएगा तब जब Q का मान 6 और R का मान 12 रखा जाए, तब तो K का मान कितना निकल का आएगा, तो यहाँ रख लीजिए 6 × 12, यानी आ जाएगा यहाँ से K बराबर कितना 75 और गुना 12 गुना 6 कितना 72, तो K का मान निकल गया 75 × 72। अब कह रहा है तदनुसार Q बराबर 5 और R बराबर 10 हो तो P का मान कितना होगा, ठीक है तो अब लगाइए इसी फार्मूला में यहाँ से P बराबर कितना होगा, ठीक है जब कांस्टेंट वैल्यू का मान निकाल चुके हैं 75 × 72 और बट्टा में Q गुना आर, तो Q गुना आर कितना 5 × 10, 5 × 10 देखिए इसको कटेगा 15 × 5 = 75 और कटेगा यहाँ से तो काट सकते हैं 2 × 5 = 10 नहीं 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 10 यहाँ 36 × 72 तो 36 × 3 की जगह कितना 108 यानी काट कूट का आंसर ला देना है। तो आगे ऑप्शन सी, देखिए इसमें कुछ नहीं दो तरह को हम पूछता है, एक सीधा विचरण होता है और एक व्युत्क्रमानुपात होता है, तो व्युत्क्रम बोलेगा तो उल्टा और सीधा बोलेगा तो सीधा, ठीक है और साइन हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू से गुना कर दीजिएगा, बाकी जो बोलेगा उसका मान रख करके कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे और जब कांस्टेंट वैल्यू मान निकल जाएगा तो फिर उसका मान रख करके क्यू और का तो पी का मान निकल जाएगा।